पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर यूपी के बाराबंकी जिले में भी जगह जगह योगाभ्यास करवाया जा रहा है, जिसमें बाराबंकी फिटनेस बॉक्स जिम भी पीछे नहीं है। जिम में आने वाले युवा वर्ग काफी जागरूक दिख रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योग के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री के इस योग जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जिम ट्रेनर व योग गुरु मोहम्मद असर साजिद, मोहम्मद अनस साजिद और मोहम्मद तस्लीम युवा वर्ग के लोगों को योगाभ्यास के जरिए उत्साहित कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर के लिए योगा सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब फिटनेस बॉक्स में, ये बाराबंकी फिटनेस बॉक्स में सब लोग और हमारे ट्रेनर हुए और सभी लोग मिलकर सारी यहाँ की टीम कभी ना कभी हमेशा कुछ ना कुछ इसके लिए नई चीज़ जागरूकता फैलाती रहती है। और योग दिवस जो कल 21 तारीख को है, 21 जून को, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक नई पहल चालू की है, उस पहल से व्यक्ति विशेष हुए, औरतें, बच्चे, सभी लोग एक स्वस्थ, और उसका एक मैसेज जाता है चारों तरफ। जी, सागर सिंह सोलंकी नाम है हमारा, सागर सिंह सोलंकी। जून है और हम सब योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज की डे टू डे लाइफ में, हमारी लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। इस स्ट्रेस को रिवील करने के लिए बेस्ट पार्ट है योगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर देता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, हमारी थ्रू आउट जो डे एक्टिविटीज़ हैं उसको मेंटेन रखता है। हमारी बॉडी को योगा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक मेडिटेशन पावर जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, एक कंसंट्रेशन पावर जनरेट होती है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में और बेटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टैमिना बढ़ता है। और हम लोग करते थे पर इतना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं था क्योंकि लोग इतना इस बारे में जागरूक नहीं थे, पर जब से फिर मोदी सरकार ने आया, उन्होंने जब से मुहिम चलाई योगा की, तब से लोग ज़्यादा जागरूक हो गए इस चीज़ को लेकर के कि उन्हें अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में रेगुलर का जिम आना नहीं हो पाता या रेगुलर का लोगों के पास टाइम नहीं निकल पाता, तो अगर आधे घंटे भी हम योगा कर लेते तो उससे हम पूरे डे एक रिफ्रेश फील करते हैं। इसीलिए आज के समय में आधे घंटे योगा करना तो बहुत ही ज़रूरी है। जिससे दिव्या श्रीवास्तव लड़कियों के लिए योगा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, वैसे आज जैसे जैसे मॉडर्न एरा आ रहा है, वैसे वैसे लड़कियां अपने घर से बाहर निकल रही हैं और जागरूक हो रही हैं और देख रही हैं कि हमारे लिए योगा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लड़कियाँ जिम जा रही हैं और जिम में, जैसे कि जिम में उनको डेली बेसिस पे, अगर वो वर्किंग लेडीज़ हैं, उनको टाइम नहीं मिल पाता है कि वो रोज़ जिम जाएँ, वैसे ही वो लोग अपने घर में कुछ टाइम निकाल के अलग से योगा कर सकती हैं, जिनसे उनकी स्ट्रेंथ बिल्ड होगी और उनका जो मेंटल स्ट्रेस है, वो लेडीज़, आजकल की लेडीज़ बहुत काम करती हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, उनको घर भी संभालना है, बाहर का भी देखना है। उस योगा से जो आप लोग योगा करा रहे हैं यहाँ पर, दोनों हैं, क्या कितना महत्वपूर्ण है योग? हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे जीवन का एक हिस्सा है। योग और योगा से हम मानसिक तनाव से बचते हैं और बहुत सी बीमारियों से बचते हैं। योग हमारी ज़िंदगी को नई ऊर्जा देता है। योग हम सबको, हर एक इंसान को करना चाहिए। योग हमारे स्वास्थ्य को हर रोग से बचाता है और योग हमारी प्रधान। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।